क्या हो अगर आपको 300 फीट की हाइट से फेंक दिया जाए? क्या हो अगर आपको एक साइकिल दे दी जाए और ऊपर खाबड़ रास्ते पे पहाड़ों पे चट्टानों पे चढ़ने के लिए बोल दिया जाए? क्या हो अगर आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे छोड़ दिया जाए और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद कूद के भगभग के जाना होता है? क्या हो अगर आपके शरीर पे या आपके हाथ में गोला बारूद रख दिया जाए और आपको किसी सामने वाले को उड़ाना हो? और क्या हो जब आपके हाथ में कोई परमाणु बम का बटन हो और आपको किसी देश पे उसको छुड़ाना हो? क्या हो कि आप किसी जंगल में या चिड़ियाघर में कहीं घूमने हो अपने परिवार अपने मित्र के साथ में और कोई अचानक से जंगली शेर आपके सामने आ जाए बड़ी खूंखार अवस्था में बड़े गुस्से में और वो आपको अटैक करना चाहे? क्या हो कि अगर आपकी गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में चल रही हो और सामने से अचानक कोई आ जाता है, आपको बहुत कम समय मिलता है उसको और अपने आप को बचाने का? क्या इससे भी ज़्यादा गंभीर साहसिक कार्य हो सकते हैं धरती पे? इंसान जिसने इस ब्रह्मांड की पूरी रचयिता की जानकारी हासिल करने के लिए पूरी धरती में उथल पुथल कर रखा है, इंसान जिसने अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए इस धरती में कुछ भी बिगाड़ने या सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी का परिणाम ही इंसान आने वाले टाइम पे भुगत लेगा या भुगत भी रहा है, जैसे कि महामारी, परमाणु बम का विस्फोट जापान में या और भी कुछ हुए होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसा भी कुछ होता है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे 10 चेहरों से जो किसी भी माहौल से अपने फायदे के लिए अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आइए मिलते हैं उनसे, बने रहना इस वीडियो के अंत तक दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। नंबर एक, सिडनी जॉर्ज रेली। ये श्रीमान 1890 के जेम्स बॉन्ड थे। दुनिया में जासूसी का जो क्षेत्र है उसको आधुनिक बनाने का कार्य इनका ही है। इनका जन्म रूस में हुआ। आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूस रह चुके हैं। ये आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें इनके बारे में, यही वो शख्स है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइए बताते वो कैसे। ये ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस थी, उसके अग्रदूत रहे हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 देशों के लिए जासूसी का कार्य भी किया है। इनका सबसे पसंदीदा शौक सेक्स था। बहुत ही आलिशान रहते थे ये। अपार्टमेंट शहर के सबसे रॉयल एरिया में था और जो भी पब और क्लब थे उनमें सबसे स्टार लेवल सीट इनकी थी। कोई यहाँ पे एक बड़ी बात और बता दें, जेम्स बॉन्ड मूवी का जो मेन चरित्र है वो इन्हीं का ही है। उन पे आरोप ये था कि उन्होंने सोवियत यूनियन के नेता लेनिन की हत्या की साजिश की, लेकिन उस साजिश में वो नाकाम रहे। इस साजिश में उनकी भागीदारी प्रमुख थी। ये शख्स रशियन, इंग्लिश, पुर्तगाली, जर्मन, पॉलिश, फ्रेंच, जापानी, इतनी सारी लैंग्वेज जानते थे। सन 1904 में वह रूस आ गए थे। तब रूस और जापान की युद्ध की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ थी। तब इन्होंने जापान के लिए जासूसी का कार्य किया। ये वर्ल्ड वार एक के पहले जर्मनी में एक जहाज फैक्ट्री में काम किया करते थे। वहाँ से वो जहाज बनाने की जो पद्धति थी उसके ब्लूप्रिंट इन्होंने अपने पास ले रखे थे। आप इतना ही नहीं समझे, इसके आगे भी है। वह जर्मनी की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भी रह चुके हैं। ये जर्मनी की सेना में इतने घुस गए थे कि वहाँ की सारी खुफिया जानकारी जुटा ली थी। आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि ये किसी समय एक पंडित भी बने थे। पंडित जिसने अपने आप को जर्मनी के राजघराने का बताकर पर्शिया से तेल की संधि कर ली ब्रिटेन के लिए। उनका जो मेन किरदार था, उन्होंने बोल्शेविक जो कि रूस की एक कम्युनिस्ट हुआ करती है उस पर नज़र रखने का कार्य किया था। वह रूस की इस कम्युनिटी को ख़त्म करना चाह रहे थे। उनका ये प्लान तब फेल हो गया जब उन्हें जासूसी के शक में सोवियत यूनियन ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से इनकी मौत के ऊपर पर्दा बरकरार है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 पर है क्रिश्चियना स्कारबैक। इनका जन्म 1 मई 1908 में हुआ और मृत्यु इनकी 15 जून 1952 में हुई। वह एक पॉलिश एजेंट थी। वह ब्रिटेन की स्पेशल ऑपरेशंस की एग्जीक्यूटिव भी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त। आपको यहाँ पर बता दें, सन 1941 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था जर्मनी की स्पेशल पुलिस फोर्स के द्वारा। तब हवालात में इनसे सवाल जवाब किए गए। उस वक्त उन्होंने अपनी जबान को खुद ही काट दिया और अपने मुंह को पूरा खून से लथपथ कर दिया। उनसे जब सवालात किए गए तो उनके जवाब में उसने ये बोला
कि मुझे टीबी की समस्या भी है और मैं बोल नहीं सकती, मुझे खांसी बहुत तेज आ रही है। इन्होंने जासूसी के क्षेत्र में अपना काफी योगदान दिया। इनकी मृत्यु सन 1952 में किस चाकू के हमले के द्वारा हुई थी? नंबर 3, नीदरलैंड में सन 1927 में जन्मे जॉर्ज ब्लैक। इन्होंने अपने जासूसी के करियर की शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान की थी। इनको ब्रिटिश एजेंट के रूप में सियोल भेज दिया गया। वहां वो पकड़े गए। वहां उन्हें 3 साल की जेल हो गई। इसी दौरान वह वहां पे कम्युनिस्ट हो गए और उन्होंने अपनी साइड को स्विच कर लिया। जब 1953 में वह रिहा हुए, वह वापस ब्रिटेन चले गए और वहां पे डबल एजेंट के रूप में काम करने लगे। उन्होंने सोवियत संघ को 40 MI6 एजेंटों की जानकारी दी। इससे सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में MI6 के नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी मिली। 1961 में ब्लैक के जासूस होने की बात सबके सामने आ गई और ब्लैक को 42 साल के जेल हो गई। 5 साल बाद वे जेल से भाग निकले और वो मास्को चले गए। तब से वे वहीं रहने लगे। सन 2007 में उन्हें पुतिन के द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रेंड का सम्मान दिया गया। नंबर 4, दुसान पोपोव। सर्बिया में जन्मे दुसान डबल एजेंट थे। आपको एक जानकारी दें, जेम्स बॉन्ड की रॉयल कैसिनो मूवी इन्हीं के पात्र पे ही बनी है। इन्हें पता था कि जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करने वाला है। उन्होंने FBI को आगाह भी किया और इस जानकारी को FBI ने गलत माना, क्योंकि उस वक्त FBI के डायरेक्टर इडगर होवर उन पर विश्वास नहीं करते थे। इनकी मौत सन 1980 में फ्रांस में हुई। नंबर 5, हेनरी डेरिकॉर्ट। इनका जन्म 1909 में हुआ। ये एक फ्रेंच पायलट थे जो कि डबल एजेंट के रूप में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में संदेह के घेरे में आ गए थे। 1942 में जब वे फ्रांस से ब्रिटेन बाहर निकले थे, तब उन्हें स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया और वापस फ्रांस के लिए भेज दिया गया। इनका कार्य फ्रांस में SOE के जो एजेंट हैं उनके लिए एयरक्राफ्ट लैंडिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था प्रॉपर करने के लिए। तब कुछ ब्रिटिश एजेंट और फ्रांसीसी विरोधियों को जर्मनी की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी SEO को डाउट हुआ कि उनकी संख्या में कोई डबल एजेंट आ गया है। तब 1946 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दोबारा 2 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया। ऐसा बताया गया कि लाओस में उनका प्लेन क्रैश हो गया और वे उस क्रैश में मारे गए, लेकिन सरकारी एजेंसियों को यही लगा कि उन्हें अपना नाम चेंज कर लिया और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीने लगे। नंबर 6 की बात करें, वो देते हेलोज। यह एक दुर्घटनावश SEO की एजेंट बनी। इन्होंने सन 1942 में एक पत्र भेजा। वह पत्र युद्ध कर्मियों की सहायता करने के लिए था, लेकिन वह पत्र किसी दूसरी सरकार को मिल गया। इनको स्पेशल फोर्स ऑफ द फर्स्ट एड नर्सिंग EOMNRI के नाम से जाना गया और इनको SOE के एजेंट के लिए तैयार किया गया। फिर इनको नाजी अधिकृत फ्रांस में भेज दिया गया फ्रांस के साथ काम करने के लिए, लेकिन वे जल्दी ही पकड़ी गई अपने सुपरवाइजर पीटर चर्चिल के साथ जर्मन्स के द्वारा। हेलोज ने सोचा कि अपने सुपरवाइजर को वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के भतीजा बता दे और अपने आप को उसकी पत्नी, इसलिए जर्मन उनको मार भी नहीं पाएंगे। उनकी ये नीति कार्य कर गई। उन्होंने जर्मन्स को कहा कि हमारे बदले हम तुम हमारी सरकार से कुछ भी ले सकते हो। इसी प्रकार दोनों युद्ध में बच निकले। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जॉर्ज क्रॉस में जिंदा रहकर 1995 में मरने वाली इकलौती महिला बनी 82 साल की उम्र में ये। नंबर 7, क्लॉस फुच। इनको इस बात के लिए जाना जाता है कि इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जानकारी सोवियत संघ को दी थी। ये जर्मनी में पैदा हुए सन 1911 में। ब्रिटेन भागे जब नाजी पार्टी सत्ता में आई। ये 1941 में ब्रिटिश एटॉमिक प्रोजेक्ट में काम करने लगे सोवियत मिलिट्री यूनियन के लिए। 2 साल बाद वे अमेरिका निकल गए और वहाँ उन्होंने मैनहट्टन के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया। 1949 में अमेरिका को उनके ऊपर जासूसी करने का शक हुआ, तब वह वापस ब्रिटेन की ओर जाने लगे यह कहकर कि कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है सोवियत को। वह ब्रिटेन आया तब उनको 14 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कबूल कर लिया था कि मैं एक जासूस हूँ। लेकिन 1959 में उनका वापस रिहा कर दिया गया और उनको जर्मनी में छोड़ दिया गया। यहाँ बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन को
उन्होंने सोवियत के परमाणु प्रोग्राम की पूरी जानकारी दी, जिससे रोसेनबर्ग को बेनकाब करने में मदद मिली। नंबर 8, रिचर्ड फॉर्ज। यह एक सोवियत संघ के जासूस थे जो कि जर्मनी में पैदा हुए थे। जब वह वर्ल्ड वार सेकेंड में अपनी घायल अवस्था से उभर रहे थे, तब वह पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट हो चुके थे। वह 1920 में वापस सोवियत निकल गए और वहाँ पर कार्य करने लगे। वर्ल्ड वार सेकेंड में ये जापान चले गए और जापान में कार्य करने लगे। तब वे सोवियत को जापान और नाजी जर्मनी की मंशा की जानकारी दिया करते थे। रिचर्ड ने सोवियत को बताया कि जापान सोवियत पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन जर्मनी जरूर चाहता है। ये जानकारी सोवियत के लिए बहुत काम आई आगे जाके द्वितीय विश्व युद्ध में। उन्होंने और भी कई सूत्र जापान और जर्मनी के बारे में सोवियत को बताए थे। इसी विषय पर उनको सोवियत संघ ने सम्मानित भी किया था। नंबर 9, माता हरी। माता हरी भगवान नटराज की काफ़ी प्रशंसक रही है। वह एक नृत्यांगना थी और जिस्म फिरोक्ति करने वाले भी, जो कि जर्मनी की जासूस भी थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फ्रांस को इस सब पता पड़ गया और 1917 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। माता हरी की जासूसी पकड़ी गई, लेकिन बाद में फ्रांस को उनको रिहा करना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी सबूत लाए गए वो सब निराधार अस्पष्ट बताए गए, लेकिन ये असलियत थी कि वह एक जासूस थी। नंबर 10, वर्जीनिया हॉल। जर्मनी का मानना था कि ये एक बहुत चालाक जासूस है। वर्जीनिया हॉल एक अमेरिकन जासूस थी। वर्ल्ड वार सेकेंड के समय वह फ्रांस में थी। फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद वह ब्रिटेन चली गई और वहाँ SOE की एजेंट बन गई। उनको एजेंट बनने के बाद में वापस फ्रांस ही भेज दिया गया वहाँ पे प्रतिरोधियों को संगठित करने के लिए, लेकिन हॉल को वहाँ से 1942 में भागना पड़ा। 2 साल बाद इन्होंने अमेरिका की स्ट्रेटजिक सर्विसेस OSS को ज्वाइन किया और अमेरिका से भी उनको वापस फ्रांस भेज दिया गया। वहाँ उन्हें फ्रांस प्रतिरोधी सेना तैयार करनी थी। युद्ध खत्म होने तक हाल ने CIA ज्वाइन कर ली थी। वहाँ उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंट की नौकरी की और वह 1966 में रिटायर हो गई थी। दोस्तों, ये 10 चेहरे थे जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। पता इन सब में खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि विषम परिस्थितियों में अपने जान पे खेल के, बिना किसी जानकारी के कहीं भी चले जाना और वहाँ पे अपने माहौल को बना के वहाँ पे दूसरों के लिए अपने विरोधियों को तैयार करना, मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में इससे बड़ा और इससे भरी भरकम कोई काम होता है। आपके क्या सुझाव है कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।